मेरठ के दबंगों का आतंक रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। करीब 5 दिन पहले थाना परतापुर क्षेत्र के शताब्दी नगर में कुछ दबंगों ने महिला और उसके पति के साथ बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद महिला व उसके पति को काफी चोटें आई। पीड़ितों ने जब थाने में इसकी तहरीर दी तो उनकी तहरीर लेकर उन्हें वहां से भगा दिया गया। पीड़ितों का आरोप है कि लगातार थाने के चक्कर काटने के बावजूद भी पुलिस ने कार्यवाही नहीं की और दबंग उन्हें रोज लगातार मारने की धमकी दे रहे हैं। पीड़ित परिवार इंसाफ के लिए थाने के चक्कर काट रही है, लेकिन उन्हें 5 दिन बीत जाने के बाद भी कोई इंसाफ नहीं मिला। अब सोचने वाली बात है कि आखिर दबंगों को पुलिस गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही। देखिए, एक ये सरधना में जो हमारी स्थापित पीठ है वो कैसे काम कर रही है, कैसे ये पब्लिक को और लाभप्रद हो सके, कैसे अपराध नियंत्रण में इसकी प्रभावी भूमिका हो, और जो DGP महोदय का एक अभियान है खास तौर से कि टेक्नोलॉजिकली हम कैसे अपने सिपाही को इनरिच करें, और साथ साथ में बीट का कांस्टेबल और हल्के का इंचार्ज सशक्त हो। हम के इसके घर के सामने रहते हैं, उसको भी जो है इसने लड़की के मामले में ब्लैकमेल किया, 50,000 उससे भी लिए। पुलिस कुछ नहीं कर पाती क्योंकि अरे इसीलिए मैं डर के मारे, अब जो मेरे साथ मारपीट हुई है मैं थाने चौकी भी नहीं गया इसीलिए डर के मारे कि जब पुलिस इनकी रहती कुछ सुनती नहीं तो मैं कहें को जाऊँ क्या करूँ। ये सायरा ढवाई नगर गली नंबर 10 में रहती है और सट्टे का कार्य बराबर चलता है इसके यहाँ और गलत कार्य। मैंने डर के मारे नहीं की जी, मुझे जान से मारने की धमकी दे दी कि पुलिस हमारी मुट्ठी में रहती है और हमारी जेब में रहती है, हम कुछ भी कर सकते हैं, पुलिस हमारा कुछ नहीं करेगी, तू थाने जाए या चौकी जाए या SHP साहब के जा, कहीं भी जा, हम नहीं डरते किसी से भी।